Hey guys, welcome to my channel. That's Kala Galam. मैं हूँ कांक्षन. Today's video I'm going to review Chemist at Play Under Eye Cream, जो कि आपको इस टाइप की आउटर बॉक्स में मिलती है और ये इसकी इनर पैकेजिंग है. सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाना चाहूंगी. इसकी पैकेजिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. बहुत ही ईजी टू यूज है ये जो प्रोडक्ट है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग भी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीमी कंसिस्टेंसी में आती है, ना ही तो बहुत ज्यादा लाइट है और ना ही तो बहुत ज्यादा थिक है. तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है मुझे एकदम परफेक्ट लगी. इसके साथ साथ इसमें आपको एसेंशियल सेरामाइड्स मिलते हैं. तो सेरामाइड आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है और केमिस्ट एट प्ले की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये अपने हर एक प्रोडक्ट में एसेंशियल सेरामाइड्स यूज करते हैं. एक्चुअली मुझे सेरामाइड्स की इंपॉर्टेंस तभी पता चली जब ये जो ब्रांड है ये मार्केट में लॉन्च हुई और तब मैंने पहली बार ये सेरामाइड नाम का वर्ड सुना. फिर उसके बारे में मैंने रिसर्च की, फिर मैंने सेरामाइड बेस्ड प्रोडक्ट यूज किए और उसके बाद तो बहुत सारी ब्रांड्स ने सेरामाइड वाले डेडिकेटेड प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए. जब मैंने वो ट्राई किए तब मुझे इसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली में समझ आई. तो केमिस्ट एट प्ले ने ही मुझे सबसे पहली बार सेरामाइड से इंट्रोड्यूस कराया था. तो ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है आपके डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस को रिमूव करने के लिए. इस प्रोडक्ट में आपको दो एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं जो कि आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं. इसमें आपको रेविटल आई एंड क्विनोआ एक्सट्रैक्ट मिल रहे हैं. रेविटल आई एंटी एजिंग का काम करता है. अगर आपको क्रो फीट की प्रॉब्लम है, आपके अंडर आई एरिया में रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो उसे ये डील करेगा. और जो इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो एक प्लांट डेराइव्ड एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि पफिनेस पे काम करता है और इसके साथ साथ अगेन वो भी एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट का काम करता है. ये दो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ इसमें आपको ग्रीन टी, कैफीन और पोमेग्रेनेट भी मिल रहा है. तो ये जो तीनों इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन है ये ओवरऑल आपकी पफिनेस पे काम करता है, डार्क स्पॉट्स पे काम करता है, रिंकल्स फाइन लाइंस पे काम करता है और यहाँ पे अगर आपको पफिनेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसे ये दूर करने में आपकी हेल्प करता है. इसके अलावा इसमें आपको शिया बटर, ऑलिव ऑयल एंड आमंड ऑयल मिल रहे हैं जो कि अगेन हाइड्रेशन वगैरह को बूस्ट करेंगे और यहाँ की आपकी स्किन को नरिश रखेंगे. तो ओवरऑल कंपोजिशन बहुत अच्छी है. इसमें कोई आपको हार्मफुल केमिकल नहीं मिल रहा है. सेरामाइड्स इसमें डाले गए हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और मुझे पर्सनली इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी और इसका जो फॉर्मूला है वो भी अच्छा लगा. सिर्फ ही सिर्फ एक इशू मुझे इसके साथ हुआ, या फिर मुझे कहना चाहिए इशू नहीं हुआ, एक चीज़ है जो कि जो ये क्लेम करता है बट फुलफिल नहीं करता. तो बड़ा बड़ा लिखा है कि ये पफिनेस को रिमूव करने में, उसे कम करने में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन हाँ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस क्रीम को लगाने के बाद ये आपकी पफिनेस पे तभी काम करेगा जब आप रात में अच्छे से सो. तो ऐसा नहीं है कि किसी दिन अगर आप रात में कम सो रहे हो और स्पेशली तभी आपको पफी आईज की प्रॉब्लम भी होती है जब आप रात में कम सो. तो अगर आप रात में कम सो रहे हो और आपने क्रीम लगाई है तो ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इस क्रीम की वजह से जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी आंखें एकदम फ्रेश लगेंगी. तो ये वाली एक चीज है जो मैंने नोटिस की, जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती थी इस वीडियो में. तो स्पेशली इसकी जो मुझे फॉर्मुलेशन लगी ना वो ओवरऑल मुझे लगी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला जो इसमें फीचर है वो ज्यादा हाई है. तो ये क्रीम मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी जिन्हें यहाँ पे डार्क सर्कल और पफिनेस से ज़्यादा रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की वजह से भी यहाँ की जो स्किन है वो आपकी डार्क लगने लगती है. इसमें इसके साथ साथ एक कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी हैं जो यूवी डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे. उसमें सबसे पहला नाम आता है कैफीन का, लेकिन हाँ इसमें कैफीन थोड़ा कम क्वान्टिटी में यूज़ की गई है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, बट ओवरऑल इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. लेकिन इस क्रीम को मैं उन लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करना चाहूँगी जिन्हें रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है. तो गाइज मुझे उम्मीद है मेरा पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू, बाय बाय.